अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से, फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फाइन शाइन हैं जी। आप सब सुनाएं, आप सब फाइन शाइन हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो होपफुली सब अल्लाह के करम से हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आप सुनाएं, आपकी साइड पे गांव शहर जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं मुझे, तो आप बताएं कि आपके यहाँ भी सही गर्मी पड़ रही है, हब्स वगैरह। सावन का महीना बहुत ज़्यादा हब्स है, तो अल्लाह ताला ही गर्म करें, रहमत की बारिश बरसाएं। तो मैं 2-3 दिन इसलिए नहीं आ सकी, मेरा व्लॉग भी नहीं आ सका, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हूँ। जैसे कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दी थी, वो इसलिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और दिन कम रह गए। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग्स में बताया था कि मेरे भाई की शादी है छोटे की, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक है, समझो 11, 12, 13 अगस्त को। तो बस ये टाइम अच्छा सा गुजर जाए, अल्लाह ताला सब बेटों और बेटियों की नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसलिए मैं ना व्लॉग अपलोड नहीं कर सके। अब आगे व्लॉग शादी के मुतलिक ही सब आएंगे। मैंने काफ़ी वीडियो बना के रखी हुई थी, कल मैं जो ही एडिट वगैरह करने लगी, कर भी चुकी थी, वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने जब सेव की, तो सेव करते करते कोई ऐसा ऑप्शन आया, मैंने वो देखा ही नहीं उसको, तो मैंने मुझसे वो डिलीट होगी फुल वीडियो। तो काफ़ी उसमें मैंने वीडियो शॉर्ट्स बनाई हुई थी, क्योंकि भाभी के साथ मैं पार्लर गई थी, परसों की बात है, समझो ट्यूसडे को या वेनसडे को मैं गई थी। तो इसी तरह भाभी ने स्ट्रिकिंग वगैरह करवाई थी, तो मैं उनके साथ गई थी। वहाँ की भी मैंने काफ़ी पार्लर की और वो स्ट्रिकिंग करने की भी जो थी वीडियो वो बनाई हुई थी, फिर खाना वगैरह की बनाई हुई थी मामा लोगों का, फिर बरी के जो भाभी के कपड़े थे वो मैंने समझो उनकी बनाई हुई थी थोड़ी बहुत। मैंने कहा वो तो शादी के बाद आप फुल एक व्लॉग बना के दूंगी ना, कि हमारी साइड के कपड़े भी और भाभी के मामा की तरफ से भी कपड़े, वो जो है वो मैं व्लॉग बाद में शादी से फ्री होके उसके बाद अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। शॉपिंग जो हमने किया है, जो भाभी के मामा वगैरह ने किया, वो प्रेस वगैरह करके हम लोग सूट्स वगैरह सब कुछ सेटिंग कर रहे थे, बैग्स वगैरह में अटैची जो थे उसमें, तो वो मैंने कुछ थोड़े बहुत क्लिप बनाए थे, वो सारा मेरी पूरी फुल वीडियो डिलीट हो गया। तो माजरत, तो मुझे खुद बहुत गुस्सा भी आया था, दुख भी हो रहा था, इतनी मेहनत से मैं एक क्लिप ढूंढती हूँ, बनाती हूँ अपने जितने भी यूट्यूब की अपनी फैमिली है उसके लिए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन नहीं बने। फिर अभी मैंने इस तरह किया, मैंने कहा कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए ना, अब आप लोगों को बताना है, आप लोगों के साथ अटैच रहना है, तो फिर यूट्यूब फैमिली को भी तो पता हो ना मैं किधर गायब हुई हूँ। तो क्योंकि अब हम इतना अटैच हो जाते हैं, जो अब मेरी तो आदत हो गई है यूट्यूब से ना, जब तक वीडियो ना डालूँ आप लोगों से बातचीत ना कर लूँ सुकून ही नहीं मिलता। ये बात है कि बंदा अजीब सा लगता है, मैं कितनी जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, 3 दिन हो गए, आज 4th दिन है मैंने कोई अपलोड नहीं की थी वीडियो। तो मेरे पास मेरे भाई के बच्चे की कुछ वीडियोज़ थी, कुछ हस्बैंड की थी, और मेरा कज़न जिसके लिए शादी रुकी हुई थी वो इटली से आ गया, उसकी थोड़ी बहुत थी क्लिप्स एयरपोर्ट से, उसे क्या उसे कहते हैं लेने के लिए गए थे सब, मामू गए थे, भाई दोनों गए थे और कज़न गया था वो लोग एयरपोर्ट, तो वो कुछ क्लिप्स थे वो। मैंने कहा चलो मैं यही शेयर करके अपनी यूट्यूब के फैमिली को ना बता दूँ, आगा कर दूँ कि मैं बिज़ी हूँ, उसकी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं अपलोड। अब आ गया कि इंशाल्लाह सैटरडे संडे या मंडे से इंशाल्लाह ये ब्लॉग अब ढोलकियों शोलकियों के आएँगे, उसके बाद फिर शादी स्टार्ट हो जाएगी। थर्सडे को लड़कों की मेहंदी है, फ्राइडे को आगे लड़कियों की मेहंदी है, फिर सैटरडे को बारात है और संडे को वलीम है, फिर शादी एंड हो जाएगी। बस इसलिए मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दूँ ना, आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने लगे हैं, आपको सही एंटरटेनमेंट मिलेगी। तो कुछ हस्बैंड की है हमारे सर्दियों की वीडियो थी, हम खाना खाने बाहर गए थे, तो मैंने कहा चलो यही कुछ डाल के मैं बातचीत करके आगाह कर देती हूँ ना अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो आप सब सुनाएं, आप सबकी लाइफ कैसी गुजरी है, होपफुली आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। बातचीत करने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स उठा के मैंने कहा एडिटिंग करके वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दूँ। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सब की तुफ़ैल, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, मेरे 1K करवा दें जल्दी जल्दी से, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें,
व्यूज़ ज़्यादा आया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, अपनी राय का इजहार दिया करें। इससे फिर दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि वाकई हमारी कोई वीडियो देखता है और वो फुल वॉच करता है। और प्लीज़ फुल वॉच करके जाया करें। पिछली वीडियोस में मैंने एक बात की थी कि काफ़ी लोग हैं ना, पिछले दिनों ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ ना, कि दो कोई हैं, अब पता नहीं वो अब लड़कियां हैं, लड़का है, लड़के हैं, कौन है अल्लाह बेहतर जानता है, भाई वो मेल है फीमेल है मैं नहीं जानती। तो वो कभी मुझे सब्सक्राइब कर रहे, कभी अनसब्सक्राइब, दो पर्सन थे जो भी थे, अब अल्लाह बेहतर जाने मैं नहीं जानती, वो कभी सब्सक्राइब कर रहे कभी अनसब्सक्राइब। मैंने कहा ओ भला करो खुदा के बंदो कि अनसब्सक्राइब ना करो, अगर सब्सक्राइब करके ना फिर अनसब्सक्राइब ना करो, या फिर सब्सक्राइब ही ना करो, फ़ायदा एक दिन सब्सक्राइब कर दो दूसरे दिन फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो। मैंने कहा वो स्टॉप हो जाओ, मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि कोई है, अब मैं नहीं बेहतर जानती, दो पर्सन है जो इस तरह कर रहे थे। तो अभी शुक्र है फ़िलहाल अभी स्टॉप हो गया ये कुछ करना, तो शुक्र है। मैंने कहा भाई सब्सक्राइब ही ना करा करो, हमारी वीडियो अगर नहीं पसंद आई थी तो ना सब्सक्राइब किया करो। तो आप सब सुनाएं आप सब की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है सही मसरूफियात में, तो आप लोगों के जब जब मुझे फुल व्लॉग